शहर के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान शांति निकेतन स्कूल के निदेशक सह ब्रह्मर्षि समाज के सर्वोच्च नेता हरि परपन्न उर्फ पप्पू जी ने शहरवासियों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर उन्होंने शहरवासियों को पर्व की मर्यादा को अक्षुण्य रखने की सलाह भी दी है। दुर्गा पूजा एवं विजयादशमी के अवसर पर मैं गया के समस्त जनता एवं पूरे देश की जनता को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ और यह मंगल कामना करता हूँ कि यह दुर्गा पूजा जो है यह साधना का पर्व है हम लोगों का। यह दुर्गा माता की आराधना का है, शक्ति की आराधना का है। इसको हम लोग सनातन धर्मावलंबी शास्त्रों के अनुसार मनाएं। आजकल जो प्रचलन देख रहे हैं दांडिया गरबा, तो दांडिया गरबा जो है यह प्रचलन, यह अपभ्रंश है। यह हम लोगों का साधना और पूजा का केंद्र नहीं है। माता दुर्गा के सामने महिलाएं जो हैं दुर्गा की स्तुति करके उन्हें नृत्य वंदन करती हैं। यह नहीं कि पुरुष और स्त्री मिल के कहीं पार्क में और झुंड में वह उस माहौल में नृत्य और डांस और भलगर डांस और अंग प्रदर्शन शरीर प्रदर्शन, यह सनातन धर्म धर्मावलंबियों के लिए चुनौती है जो सनातनी सभ्यता को और सनातनी और को चुनौती है और पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं। इसको मिक्स नहीं करें, मिक्स कल्चर का यह रूप होते जा रहा है। मेरा आग्रह है कि जो हमारा शास्त्र में वर्णन है कि दुर्गा माता का पूजा कैसे करने, नवरात्र का पूजा कैसे करें, साधना कैसे करें, शास्त्रों के अनुसार उसको मनाएं और विजयादशमी का पर्व जो है वह सत्य पर सत्य की विजय का है, उसको उस रूप में मनाएं कि उस दिन भगवान श्री राम ने जो गलतियों का बिल्कुल पहाड़ था, राम कुकर्मों का पहाड़ था, उसका वध किए थे, हत्या किए थे। तो इसको सोचे समझें और इसी रूप में हमारे पर्व को मनाएं, सनातन को बचाएं। फिर से ढेर सारी शुभकामना गया वासियों को एवं देशवासियों को। धन्यवाद।